हम लोग अदनान 07 को बनाएंगे गार्लिक नान 07। साले का खोपड़ी तोड़। वैसे अगर तुम लोग को ये वाला नमस्ते, मेरा नाम राजगोपाल होता, अब राजेकोर में एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर आता। आज मैं जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने जा रहा हूँ उस वीडियो का नाम है फोटोशॉप किंग इज बैक। ये मितपैट भाई की तरफ से फाइनली एक और नया फोटोशॉप के ऊपर वीडियो है, तो देखते हैं वीडियो कैसा होता है, किस टाइप का होता है, किस किस चीज़ों का या किस किस इंसान का फोटोशॉप करता है, देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, चैनल पे हो तो पूरा रिएक्शन वीडियो देखना, अगर मितपैट के फैन हो तो पूरा रिएक्शन देखना, फिर बात करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट कर लो, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स गो। What's up? अरे क्या बोलते हैं? एमवीए बनता है। What is up? Yeah. क्या बोल रहे सब लोग? एमवीए घंटा है मालूम है ना? बचाएंगे। टन 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 टन। फोटोशॉप का किंग वापस आ चुका है दोस्त। अरे फेवरेट एक्टर। मेरा डांस कैसा लगा? डांस कैसा लगा? डांस कैसा लगा? प्लीज गाइस एक लाइक कर दो अगर मैंने डांस बस। भाई ये रोस्ट वीडियो तो नहीं है ना भाई? दो लोगों का नाम ले लिया, एमवीए बंटा और मुंबई कर निकल। वाओ यार, अच्छा मतलब मैच किया वीडियो का। क्या वो एक स्टेप था? वो क्या किया मैंने? मैं खुद को देख रहा था कैमरा में, मेरे को ऐसा लगा कि मैं उसमें जाना चाहिए, डांस इंडिया डांस। ऐसा कर सकते हो तुम लोग? यस गाइस, फोटोशॉप का किंग वापस। ये मैं स्कूल में करता था बहुत यार, लोगों को पसंद भी था। सॉरी अब बार बार पॉज नहीं करूंगा, करूंगा तो मैं बता दूंगा, ज्यादा देर बकबक नहीं करूंगा। यस गाइस, फोटोशॉप का किंग वापस आ चुका है और आज एक सेकंड, ये बाल अच्छे दिख रहे हैं क्या? मेरी शक्ल फोटोशॉप हो सकती है क्या? तो तुम लोग को अगर मालूम नहीं कि फोटोशॉप क्या होता है, मेरे वीडियोस नहीं देखते पुराने वाले? फुकट बैठने का घर पे, वीडियो वगैरह देखने का नहीं मितपैट का, बस दिन भर पढ़ाई करने का। होता है भला होता है, उसको देख के अरे वाह कितनी अच्छी शब्द कम पड़ रहे हैं उसको गाली देने के लिए। कितनी कितनी सुरेख लड़की होगी, सुरेख कितनी भोली लड़की होगी, कुछ नहीं है। डायन बोलते हैं मतलब है, डायन एक नंबर की। तो बहुत बड़बड़ करती है और बड़बड़ करके मेरा दिमाग खराब कर देती है। तो अगर मैं चाहूँ, अगर मैं देखो असली जिंदगी में तो उसका मुंह बंद नहीं कर सकता, बंद करता लेकिन नहीं कर सकता, लेकिन फोटोशॉप की शक्ति से इट इज पॉसिबल। गया वाली है वीडियो देखने के बाद। देखो मैं क्या करूंगा, मारने वाली है। एक सेकंड, इसके दांतों में क्या लगा है? ओ वेट, ये फोटो जब लिया था तभी आई थिंक उर्मिला ने पालक खाया था। पालक नहीं, ये कुछ तो अलग ही लग रहा है, डाबर चमन ब्रश लग रहा है मालूम। तो हाँ, मैं क्या बोल रहा था, मैं इसका मुंह गायब कर सकता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़बड़ करती है। ये देखो कितना आसान है मुंह को गायब कर देना। वाओ। ऐसा होना चाहिए था यार असली जिंदगी में। ये देखो गाइस, हम लोग ऐसे करके आलू बना सकते हैं। नाइस, अभी अभी अच्छी दिख रही है। नहीं, मैं गधे का मुंह डालू इसके ऊपर, बेस्ट हो जाएगा मेरे को। मैं कभी भी झगड़ा होता है ना, मेरे को गधी 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 क्या, मेरे को गधा गधा बोलती रहती है। ये ले, तू देख रही है ना वीडियो? हाँ देख रही है वीडियो तू। लिखता हूँ बड़े अक्षर में, उर्मिला द गधी। चलो मैं रेडी हूँ मार खाने के लिए, क्या आप रेडी हो मुझे मार खाते हुए देखने के लिए? ओके गाइस, तो बेसिकली गाइस ये है फोटोशॉप, एंड फोटोशॉप में जो शक्ति है ना गाइस, इसका मैं गलत इस्तेमाल करता हूँ। ये मेरी खासियत है इस चैनल की, तो प्लीज सब्सक्राइब करो। मेरे पास ना एक लिस्ट है जो मैं अभी हिला रहा हूँ ताकि तुम लोग ना पढ़ो पहले से। तो इस लिस्ट में कुछ लोगों के नाम लिखे जिनका फोटोशॉप में वाट लगा देगा। ओके, सबसे पहला नाम है ये मारने वाला है मुझे, थारावे जो उधेड़ दूंगा। उधेड़ दूंगा, उधेड़। Yes! उसका पहले भी हमने एक बार फोटोशॉप किया था, तभी देखा था वो अपने पे भड़का भी था, लेकिन अभी अपना दोस्त बन चुका है, बेस्ट फ्रेंड है मेरा, तो अभी कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे जोगिंदर का एक फोटो। मेरा प्लान क्या मालूम है कि हम लोग जोगिंदर को चार्मेंडर बनाएंगे। थारा भाई चार्मेंडर। सबसे पहले मैं जोगिंदर का कलर ऑरेंज करूंगा ताकि वो चार्मेंडर जैसे दिखे। ये देखो ऐसे कुछ तो अला जादू। ओम 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 ओम। और क्या करते हैं थानोस?
खराब आई जोगिंदर ऐसी चुटकी मारेगा किसी ने सोची ना। उदेड़ दूंगा आयरन मैन को। और क्या कर सकते इसको, और कुछ है क्या? पिकाचू। चलो सब चलो, अच्छा लग रहा कलर ऑरेंज बना दिया। अभी चार्मेंडर को लेंगे, उसकी पूछ काटेंगे, कुछ ऐसे निकालते हैं यहाँ से। ये पूछ को हम लोग ऐसे को ना कल्फ बनाने वाला है। ओए मिथपैट, किसको पूछ के तूने चार्मेंडर बनाया मुझे? पक्का फोन आने वाला है। स्टोरी डाल दिया आज, थाराबाई चार्मेंडर होगा विकसित, ऐसा विकसित होगा, ऐसा विकसित होगा किसी ने सोची ना होगी। चलो गाइस अभी अगला अगला ओ दिस वन्स माय फेवरेट, अभ्युदय। अबूधाबी के लिए मैंने इस बार कुछ तो बहुत स्पेशल प्लान किया है, और मुझे मालूम है उसको बहुत पसंद आएगा। मैं ना तंग आ चुका हूँ गाइस, वही सेम अमूल दही, मिष्टी दही, मदर डेरी का दही खा के अभी मेरे को एक नया अभ्युदय खाने का है। तो पहले हम लोग एक मटका लेंगे, अभ्युदय का फोटो, कोई भी फोटो चल जाएगा, सब फोटोज में वो हैंडसम दिखता है। सबसे पहले हम लोग इसका मुंडी काटेंगे, यहाँ से ऐसे अच्छे से निकालने का एकदम। ये देखो गाइस मैंने इसको कट कर दिया, अभी इसको हमें दही के ऊपर लगाने का है। अभ्युदय देश की दही। अरे यार तेरे नाम है इसके, अबूधाबी, आबादुबी, दाबादुबी, अबडाबुबी। रुको लेकिन इसका असली नाम क्या है देखने दो, मुझे भी अब तक नहीं मालूम। अबूधाबी से दोस्त है मेरा, लेकिन प्रॉपर नाम पढ़ना पड़ेगा। अबूधाबी दया, कोई बहुत गड़बड़ है इसके नाम में। ए बी एच यू डी ए एच आई, अबूधाबी देश की दही, मेड फ्रॉम मिथपैट रियल अबूदया लिखेगा शिट बकरी बकरी दूध। चलो हो गया ये बना के, अभी मैं बकरी दूध एक और चीज करने वाला हूँ। तो गाइस मिथपैट ने अभी मुझे ये कुछ तो तोहफा भेजा थैली में, पैकेजिंग देख के पूरा ही लग रहा है कि मिथपैट ने रैप किया इसको भाई। क्या है ये? आलसी लौंडे वाली पैकिंग, मैं भी आलसी। क्या भेजा होगा यार भाई, पहली बार किसी यूट्यूबर ने कुछ भेजा है तो मैं एक्साइटेड हूँ। तो क्या भेजा हो सकता है भाई, क्या रिएक्शन होगा इसका? क्या है? अबू दही फ्रेश। अरे यार सच्ची की दही है वो? अरे वो दूसरी जो कंपनी की दही आती है उसमें लगा के दिया है। पर ये क्या है अबू दही फ्रेश? अरे रे रे रे। और मेरे नाम में दही नहीं आता, दया आता है। तो ये कहां से जॉइन हो रहा है? पैकेजिंग में भी खुशी से रोने वाला चेहरा बन चुका है। अबू दही मेड फ्रॉम रियल बकरी दूध। बकरी के दूध की दही होती भी है? पर मैं कहां बकरी का दूध? अबू दही लोगे? अबू दही उसमें सच में अंदर है कि ये भी खा के दिया उसने? है भाई, मेरी खुशी यहाँ तक कितनी ज्यादा थी ये देख के भी मैं एक्साइटेड था और पूरा ड्रॉप। तो क्या तुम लोग कभी सोचा है कि दुनिया में कितने प्रकार के भुर्जी होते हैं? पनीर भुर्जी, अंडा भुर्जी, बस दो। आज एक नया प्रकार जन्म को आने वाला है, टेक्निकल भुर्जी। अरे रे रे बहुत मारने वाले मुझे वो, सॉरी सर प्लीज, आई होप आप ये वीडियो नहीं देख रहे। मैं इनको गाइस एक बार दुबई में मिला हूँ, बहुत बड़ी गाड़ी है इनकी। टेंशन आ रहा है, अगली बार जाऊंगा दुबई तो गाड़ी से उड़ा दे। सबसे पहले हम लोग लेंगे इनका सिर, ये सिर को हमने यहाँ से निकाल दिया। ओके अभी हमें लेने का है अंडा भुर्जी या फिर पनीर भुर्जी भी चल जाएगी आपके हिसाब से। चलो ये वाली पनीर भुर्जी लेते हैं, बहुत मस्त लग रही है। देखो भुर्जी का क्या होता है, पनीर और भुर्जी में क्या फर्क होता है? पनीर के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, भुर्जी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। तो हम लोग को गुरुजी को छोटा छोटा करना पड़ेगा और बहुत सारे गुरुजी रखने पड़ेंगे, तब जाके बनेगी टेक्निकल भुर्जी। बहुत सारे लगेंगे अपने को लेकिन इस बार। ओके देखो बहुत मजा आ रहा है। यार आपने कभी सोचा है कि अगर ये सब टेक्निकल गुरुजी ने एक साथ चलिए शुरू करते बोला तो पूरा धरती को सुनाई देगा? क्या आप भी तंग हो वही से पुरानी भुर्जी खा के? क्या आपको चटपटीदार मसालेदार नया खाने का है? तो मैं लाया हूँ टेक्निकल भुर्जी, चलिए खाना शुरू करते हैं। एक नई भुर्जी का आज जन्म हुआ है, मेरा मुंह जब टेक्निकल गुरुजी अपने गाड़ी से मेरा पीछा करने वाले हैं, बहुत मार पड़ने वाली है। अगली बार मैं तुम लोग को दिखने वाला हूँ फ्रैक्चर के साथ, इधर ये हाथ ऐसा टंगा हुआ होने वाला है, ऐसा ऐसा होने वाला है। और मैं बोलने वाला हूँ मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ। एक दिन मैंने टेक्निकल गुरुजी सर की फोटोशॉप कर दिया
और उसके बाद मेरा यार ए क्या बोलते क्या Yo! बोलते ये घंटा है मालूम है ना एक नंबर मालूम है ना अरे तो अपना वाला है तेरा वाला तेरा टोटल है रे बाबा किधर से खरीदा दादर से नहीं रे थाने से थगेश तेरे को गेस द इमोजी चैलेंज कर देगा क्या गेस द पिक्चर चैलेंज इसका मीनिंग बता तू मेरे को इसका मीनिंग क्या है ठीक है क्या रिएक्शन देगा ओ समझा नहीं नहीं रुक रुक मुझे भी समझ नहीं आ रहा थगेस ओ थगेस कैसा लगा जोक बहुत अच्छा लगा सुन मेरे पास एक और है सुन 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 मेरे गालों में दर्द हो रहा है थगेश एक चीज याद रख जिनके घर कांच के बने होते हैं ना वो कपड़े बेसमेंट में बदलते हैं एक और था मेरे पास ऐसी ये थोड़ा सा अच्छा जोक है अदनान आपको अदनान 07 मालूम होगा हम लोग अदनान को लेंगे हम लोग गार्लिक नान को लेंगे अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ सुबह 7 बजे हम लोग अदनान 07 को बनाएंगे गार्लिक नान 07 वैसे अगर तुम लोग को ये वाला पसंद नहीं आया होगा जोक मेरे पास एक और है मैं ये भी मुझे को बहुत टाइम से करने का था सुहाना चिकन वो पहले मिलता था मालूम है सुहाना चिकन मसाला लेते हैं फिर सुहानी का फेस लेते हैं इधर मैं डरता ही नहीं हूँ हाइट ही नहीं पहुंच ही नहीं सकते मेरे भाई कैसे मारेगी हाँ कैसे मारेगी और ये हम लोग इधर लगा देते हैं हाँ yeah. ये भी चेंज करना पड़ेगा नाम चेंज करना पड़ेगा सुहानी यस सुहानी चिकन मसाला और क्या लिखा है मैंने लिस्ट में नाम फ्लाइंग बीस्ट के नाम में फ्लाइंग है लेकिन वो कभी फ्लाई नहीं करते रुको कौन सा ये फोटो लेते हैं हाँ अरे भाई साहब इनकी बॉडी क्या है इनके करूँ क्या इनका फोटोशॉप ये मारने वाले हैं 100% मारने वाले मुझे प्लीज़ गाइस इन किसी को भी इंस्टाग्राम वगैरह पे भेजो मत सच्ची बता रहा हूँ प्लीज़ मत वाट लगाओ मेरी अपने बीच ही रखो ये एक पंख इनको ज़रा ऊपर करता हूँ प्रॉब्लम है ना कि अगर मैं थोड़ा सा और ऊपर किया तो इनकी चड्डी दिख जाती है तो मैं इतना ही रखता हूँ चलो हाँ ये इतना दिखने दो चड्डी चल जाएगा ऐसा हाँ ये मस्त लगा हाँ हाँ ऐसा 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 थोड़ा सा छोटे करते हैं पंख अभी अभी लग रहा है ना फ्लाइंग बीस्ट अरे यार So I guess, आज के और कोई है क्या लिस्ट में देख लेता हूँ आई थिंक सब हो गए अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो मैं अभी खुद को फोटोशॉप करने वाला हूँ इस दुनिया से बाहर कि मैं रुक नहीं सकता या इस धरती पे लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दो अगर आप लाइक करोगे तो पुण्य मिलेगा और अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो डबल पुण्य मिलेगा आई नो आप लोग बहुत पाप करते हो जिंदगी में और अभी मैं निकलता हूँ और मैं मिलता हूँ तुम लोग से अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय ऐसे करे अरे सुबह के 7:30 बजे कैसे फोन आता है रे मुझे कौन है हाँ कौन है ये अननोन नंबर दुबई से फोन आ रहा है मुझे हेलो कौन हेलो हाँ हेलो या हाय 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 सर हाँ नहीं सर वो मजाक में ए टेक्निकल गुरुजी सर मैं वीडियो डालने से पहले आपको कैसे समझ अरे टेस्ट करके देखो भुर्जी अच्छा बनाया मैंने अरे यार सॉरी सर सुनो ना सर नहीं मेरे को सर मेरे क्या बोल रहे हो आप मेरी अनबॉक्सिंग करने वाले हो सर सॉरी सर मेरे को नहीं करवानी मेरी अनबॉक्सिंग आरआईपी बहुत हार तू लटका के झटका के चलती है भटका के ध्यान मेरा तेरे इस चलने पे मैं तो भाई फाइनली वीडियो ख़त्म वीडियो कैसा है नाइस अच्छा है वैसे अच्छा भी लग रहा था ठीक ठाक भी लग रहा था नहीं क्योंकि फ़नी तो ज़रूर था बट मैं क्या रिएक्ट करूं करके मुझे समझ नहीं आता जिस पर मतलब फ़ोटोशॉप किया था उस पर मैं उल्टा डर रहा था कि क्योंकि स्ले पॉइंट के फैंस थारा भाई जोगिंदर के भी फैंस है बाय द वे सीरियसली और फिर फ्लाइंग बीस्ट को भी वो उसने फ़ोटोशॉप किया भाई अनएक्सपेक्टेड था वैसे थोड़ा थोड़ा देखा डिस्क्रिप्शन में भी डाला था वैसे और रही बात थारा भाई जोगिंदर की भाई साहब मेरे को लगा पता नहीं क्या करेगा उसे इंस्टाग्राम पे डाल दिया पूरा सिस्टम हैंग कर दूंगा तेरा सिस्टम हिला दूंगा भाई साहब पता नहीं क्या होगा एक और डिस्ट्रैक्ट आएगा क्या मैं तो
वेट करूंगा वैसे भाई, पर मैं एक बात बोलूं, वैसे काफ़ी अच्छा कौन से एडन्स हो रहा है, मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूं तो उसमें फोटोशॉप भी सिखाएंगे, और भाई ने भी फोटोशॉप के ऊपर डाल दिया क्योंकि थंबनेल मुझे भी अच्छा बनाना सीखना है ना सीरियसली यार। बहुत मज़ा तो आ रहा था फोटोशॉप जब कर रहा था, काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा था, क्रिएटिविटी देखने में था, मतलब देखने को मिला था करके। फोटोशॉप करने में मज़ा ही है यार, मैं भी करूँगा मज़े में जब एकदम से अच्छे से सीख लूँगा करके भाई। पर सच बात बोलूँ, अभ्युदय और थगेश का रिएक्शन तो बहुत अच्छा था, सबसे बेस्ट तो मुझे थगेश का लगा था। शुरू शुरू में ऐसे स्माइल कर रहा था जैसे हमेशा करता है भाई अपने वीडियोस पे, बहुत अच्छा लगा। जैसे उसने फोटो देखा तब भी गेस कर रहा था, फिर उसको जब पता चला ना थगेश करके भाई उसका एक्सप्रेशन। पर अभ्युदय तो उससे भी, अभ्युदय सॉरी यार मेरे को भी नाम प्रोनाउंस करना मुश्किल है भाई, उसका भी एक्सप्रेशन एकदम अच्छा था, मैं भी बहुत खुश हो गया था ओए ओए आ गया करके, जबकि मुझे पता था वो फोटोशॉप जो करा था उसको भेजा होगा करके, पर वो दही पे ऊपर ऐसे चिपका के भेजा होगा पता नहीं था भाई। सीरियसली बंदे का रिएक्शन एकदम सही था, मेरे को भी एक वो फील आ रहा था, मैं भी अगर पन्नी में देखता हुए कुछ आया फिर रैप खोल के देखता वैसे जो टेप पूरा चिपका था, वो एक्साइटमेंट तो होता, वैसे मेरे को भी सेम टू सेम फील हुआ था करके। और टेक्निकल गुरुजी को यार क्या बना दिया, वो इतना फेमस होता है। चलिए शुरू करते हैं, और थारा भाई जोगिंदर उसके फैंस मेरे को आके कुछ ना बोल दे, कुछ गुस्सा ना करे करके, इसलिए मैं हंसा ही नहीं था। मैं तो ज़्यादातर इसलिए मैं हंस नहीं पा रहा था क्योंकि यार कौन किसका फ़ैन होगा पता नहीं, और कोई बुरा मन जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। पर मिथपैट का वीडियो तो सच में ये अच्छा था, एंटरटेनिंग जरूर था, बोर तो बिल्कुल नहीं कर रहा था। और शुरू में और लास्ट में जो डांस किया था ना वो सीरियसली मज़ा आता, एमी वे बंटा मेरे को भी अच्छा लगता भाई सीरियसली। पर वो क्लाइमैक्स सीन भी अच्छा था, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, किसका फ़ोन हो सकता है ऐसे शुरू में सोचा, पर थोड़ी देर में समझ गया अच्छा टेक्निकल गुरुजी की बात कर रहा भाई सीरियसली यार। पर वीडियो अच्छा था वैसे, मेरे को सच बोलूँ तो मज़ा तो बहुत आया था, मतलब कुछ क्रिएटिविटी अपना दिखा रहा था, हालांकि पता नहीं यार जो भी हो फोटोशॉप करते हुए दिखाया काफ़ी अच्छा लगा था। और एक दिन भी नहीं हुआ और 1 मिलियन व्यूज आ गए, वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था सीरियसली, जिन जिनों को लिया सही था करके। और अदनान वाला तो भाई मैं जब उसका नाम सुना और मैं थगेश पर रिएक्ट कर रहा था, मेरे दिमाग में भी सेम ही चीज़ आ रहा था ऐसे सॉरी, बट जो भी हो यार वीडियो तो बहुत अच्छा था बोलूँगा। पर मेरे को ये डर है कि मैं इसलिए ज़्यादा हंसा नहीं कि कौन किस बात पे बुरा मान जा करके, बट सच बोलूँ तो वीडियो बहुत अच्छा था, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा था। फोटोशॉप अच्छा किया तो डांस वांस बहुत अच्छा किया, और भाई का हेड पैन पहन के जो हेयर स्टाइल रखा जो ड्रेस पहना ना भाई वो भी बहुत ओपी था। तो ओवरऑल बोलूँगा वीडियो तो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मज़ेदार था। देखते हैं अभी थारा भाई जोगिंदर ने भी इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाला है, देखते हैं कुछ रिप्लाई वीडियो आता है या कुछ डिस्ट्रैक वगैरह आता है, देखते हैं उसका भी वेट करूँगा वैसे। पर यह वीडियो तो बहुत अच्छा था, तो मैंने तो इस वीडियो को लाइक कर दिया क्योंकि काफ़ी एंटरटेनिंग था। तो उम्मीद है तुम लोगों का मेरा ये रिएक्शन वीडियो पसंद आया और ओपिनियन पसंद आया होगा। मैं तो दिल से बोल रहा हूँ भाई, किसी को कुछ हेट नहीं फैला रहा, कोई बेइज्जती नहीं कर रहा, मैं इस टाइप का रिएक्शन चैनल कभी नहीं बनाने वाला कि सामने वाले को बेइज्जती करके व्यूज़ कमाओ भाई, नहीं मेरे से नहीं हो पता करके। तो उम्मीद है तुम लोगों को मेरा ये रिएक्शन वीडियो पसंद आया, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना ठीक है। चैनल पर नहीं हो पूरा रिएक्शन वीडियो देखा, अगर तुम्हें अच्छा लगा कि मैंने रिएक्ट करा, हाँ ज़्यादा हंसा नहीं था क्योंकि मुझे डर लग रहा था इसलिए मैं हंसा नहीं, बट फिर भी तुमको अगर रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करने के बाद सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना, नोटिफिकेशन नहीं पता नहीं क्यों नहीं आता इतने सारे सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद भी। तो मिलते हैं फिर कल किसी और नए रिएक्शन वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।